टेक्निकल स्किल्स आपके पास में है और टेक्निकली आपको काम करना बहुत अच्छा लगता है और आपने अभी अभी अपना 10th कंप्लीट किया है और आप प्लान कर रहे हो कि टेक्निकल फील्ड्स में ही आगे बढ़ के अपने करियर को बनाया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्विन गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉट एंड इंस्टीट्यूट्स में। और आज के इस वीडियोज में मैं आपके लिए 2024 के टॉप 5 पॉलिटेक्निक कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जी हाँ, पॉलिटेक्निक के कोर्सेज बहुत बेहतरीन करियर ऑप्शन आज की डेट में हो चुका है कि जस्ट आफ्टर 10th के बाद अगर आप टेक्निकल फील्ड्स में अपने करियर को देख रहे हो और उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो कौन से कोर्सेज आपके लिए बेहतर होंगे, क्या आपको ITI कोर्सेज करने चाहिए या आपको पॉलिटेक्निक के कोर्सेज करने चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको एक अच्छे फील्ड्स में जाना है और उस फील्ड में पूरी तरीके से मास्टर बनना है, कंप्लीट जानकारी लेनी है, तो आपके लिए पॉलिटेक्निक ज्यादा बेहतर होगा बजाय ITI के। तो इस वीडियो को पूरा देखो, इसमें आपको 5 पॉलिटेक्निक के टॉप 5 कोर्सेज की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो 2024 में आपके करियर को बदल सकते हैं। इन पर्टिकुलर कोर्सेज की डिमांड इस वक्त कंपनीज में सबसे ज्यादा भी है और आने वाले टाइम में इनके जरिए आपको अच्छी जॉब्स और अच्छा पैसा आप इसके जरिए बना पाओगे। जी हाँ, टेक्निकल फील्ड्स में अगर बेहतर तरीके से अपने करियर को बनाना है तो पॉलिटेक्निक के कोर्सेज बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए होंगे, वो भी जस्ट आफ्टर 10th के बाद। जी हाँ, जिन लोगों का टेक्निकल स्किल्स में मन लगता है उनको पढ़ाई ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो अगर अपनी पढ़ाई को अपनी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर ही लगाएं, उसी को अगर वो सार्व करें, उसी में जितना ज़्यादा वो उसमें जानकारी इकट्ठा करेंगे उतना उनके लिए बेहतर होगा, तो यही आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो जस्ट 10th के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक के कोर्सेज को देख रहे हो और आप चाहते हो कि अपनी टेक्निकल स्किल्स को पॉलिटेक्निक के ज़रिए बढ़ाया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आपको पॉलिटेक्निक के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहिए। तो चले जानते हैं 2024 में कौन से ऐसे 5 पॉलिटेक्निक के कोर्सेज हैं जिनमें अच्छे करियर के मौके हैं, अच्छी सैलरी है, अच्छा पैसा है, अच्छी जॉब्स हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। पहला कोर्स है आपके लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जी हाँ, पॉलिटेक्निक के फील्ड्स में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पहले आपको बता दूँ, पॉलिटेक्निक में हमेशा कोई भी कोर्सेज आप करें उसका कंप्लीट जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स का होता है। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में कंप्लीट मास्टर बनाता है और बेसिक से लेके एडवांस तक की पूरी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करता है, इसीलिए पॉलिटेक्निक ITI से ज़्यादा बेहतर हैं। तो आपको अगर अपनी टेक्निकल फील्ड्स में अच्छा बनना है तो आपके लिए बेहतर है कि आप पॉलिटेक्निक के कोर्सेज को ज्वाइन करें, जहाँ पे पहला कोर्स है आपके लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जहाँ पे मैकेनिक से रिलेटेड काम जो है, गाड़ियों से बनाना, गाड़ियों की रिपेयरिंग से लेके गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग तक की सारी जानकारी आपको मिलती है, गाड़ियों के इंजन से लेके इंजन वर्क पूरा का पूरा आपको इस कोर्स के अंदर आपका कवरअप हो जाता है और आप एक अच्छे टेक्निकल स्किल्स के ऊपर अपने आप को डेवलप करते हुए बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब्स के लिए भी आपकी रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो पॉलिटेक्निक के इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आप सरकारी जॉब्स के लिए भी अपने आप को रेडी पाते हो और प्राइवेट सेक्टर्स में भी बड़ी कंपनी से लेकर छोटी कंपनी में हर जगह आपकी रिक्वायरमेंट होती है और आप खुद का भी अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी आप इन कोर्सेज के जरिए कर सकते हो। तो कोर्स की जो एलिजिबिलिटी है वो जस्ट 10th के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो और इसका जो ट्रेड है वो इंजीनियरिंग ट्रेड है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स का ड्यूरेशन होगा। जी हाँ, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पॉलिटेक्निक के कोई भी कोर्सेज अगर आप करते हो तो उसके लिए आपको 3 साल कम से कम इसमें लगाने होंगे और अगर आप ITI के कोर्सेज करना चाहते हो तो ITI के ऊपर भी मैं वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ। आप आई बटन पर ये देख सकते हैं कि जो कि टॉप 5 कौन से ITI कोर्सेज हैं जो 2024 में आपको करने चाहिए और अगर आप जानना चाहते हो कि आपके लिए ITI बेहतर है या पॉलिटेक्निक बेहतर है तो उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनी हुई है। आप आई बटन में वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो को कंप्लीट देख के आप जानकारी लीजिए कि क्या पॉलिटेक्निक आपके लिए अच्छा है या ITI आपके लिए अच्छा है। हम बढ़ते हैं कोर्स नंबर 2 की ओर, जहां पे इस वीडियो में हम आपको पॉलिटेक्निक के 5 डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं जो 2024 में काफी डिमांड्स में है। उनमें नंबर 2 है आपके लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। जी हाँ, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा वर्कआउट है। जस्ट 10th के बाद ही अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में वर्कआउट करना चाहते हो तो सिविल में आप देखिए
जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमारा वर्कआउट होता है, चाहे आपको मैन्यू चाहे आपको जो है घर बनाना हो, चाहे आपको बिल्डिंग स्क्रेप डालनी हो, चाहे आपको पुल बनाना हो, चाहे आपको स्टेडियम बनाना हो, चाहे आपको रोड बनानी हो, इन सभी का जो लेआउट है, जो स्ट्रक्चर है, जो ब्लूप्रिंट है, जो फॉर्मेट है, वो सबसे पहले सिविल इंजीनियर्स के द्वारा ही तैयार किया जाता है। सिविल इंजीनियर ही सबसे पहले इसका एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं और उस ड्राफ्ट के बाद जब वो ड्राफ्ट पूरा फाइनल होता है तो उसी के ऊपर फिर रियल में एक पर्टिकुलर बिल्डिंग खड़ी करनी है तो बिल्डिंग खड़ी होती है, रोड बनानी है तो रोड बनेगी, स्टेडियम बनाना है तो स्टेडियम बनाएंगे, पुल बनाना है तो पुल बनाएंगे। हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन है वो पहले सिविल इंजीनियर के द्वारा ही डिज़ाइन किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड है और जिस तरीके से हमारे इंडिया में रेगुलर ग्रोथ हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस है, बहुत ज़्यादा काम जो है इन गवर्नमेंट कर रही है और जिस तरह से गवर्नमेंट का विजन है कि 2047 तक इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाना है, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा डिमांड्स है। जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उतना ज़्यादा इंडिया तेज़ी से ग्रो करेगा और ग्रो करना है तो वहाँ पर आपका रोल भी रहेगा। अगर आप एज ए सिविल इंजीनियर के रूप में काम करते हो तो डिजाइन बनेंगी आपके थ्रू ही। तो इस कोर्स के लिए भी जो एलिजिबिलिटी है वो आफ्टर 10th के बाद है और ट्रेड इसका इंजीनियरिंग का ट्रेड होगा और ड्यूरेशन 3 ईयर का ही इस पर्टिकुलर कोर्स का है। बढ़ेंगे नंबर 3 कोर्स के ऊपर जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी हाँ, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जिस तरीके से आज के डेट में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हर घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं और उसके ऊपर उसके अंदर जो वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, कैसे बनाया गया, वो कहीं ना कहीं एक इंजीनियर का दिमाग है। और आप अगर टेक्निकली हैं तो आप भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस बना सकते हो, नया डेवलपमेंट कर सकते हो और नए डेवलपमेंट के जरिए आप बहुत तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसे में आपके लिए पॉलिटेक्निक का ये कोर्स जो 2024 में काफ़ी बूमिंग में है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, आपको इसको करना चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर फील्ड में है। तो इस कोर्स की जो एलिजिबिलिटी है वो 10th के बाद ही आप इस कोर्स को कर सकते हो और इसका जो ट्रेड है वो भी इंजीनियरिंग ट्रेड होता है और आपके लिए इसको 3 साल आपको इसमें लगाने होंगे। किसी भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से आपको 3 साल तक इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग लेनी होगी और उसके बाद ही आप एक बेहतर इंजीनियर इस फील्ड में बन पाएंगे। कोर्स नंबर 4 है पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। जी हाँ, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो कि बेहतर डिमांड्स है आज के डेट में ऑटोमोबाइल फील्ड में, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, हर घर में गाड़ियां हैं, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें गाड़ी ना हो, जिसमें स्कूटी ना हो। तो इलेक्ट्रिक जो है, चाहे व्हीकल हो, चाहे वो डीजल व्हीकल हो, चाहे वो पेट्रोल व्हीकल हो, कोई भी फ्यूल से रिलेटेड आपके पास में हो, सभी की सभी कवरअप होती है हमारी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के ऊपर। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो पर्टिकुलरली ऑटो को बढ़ावा दे रही है, ऑटोज के ऊपर हमारे कन्वेंस से रिलेटेड हमारे इक्विपमेंट्स को लिए हमारे लिए सूटेबल इक्विपमेंट्स डिज़ाइन कर रही है, तो वहाँ पर आपका रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप पॉलिटेक्निक के इस पर्टिकुलर कोर्स की अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में काम करती है, तो आपके लिए बहुत अच्छे करियर के मौके हैं, बहुत अच्छी अर्निंग के मौके हैं और बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में मिलती है। तो 2024 में आप प्लान कर सकते हैं टेक्निकल फील्ड्स में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के पॉलिटेक्निक के इस कोर्स के लिए, जिसकी एलिजिबिलिटी आपके लिए है जस्ट 10th के बाद और कोर्स का जो ट्रेड है वो इंजीनियरिंग ट्रेड ही है और साथ साथ उसका ड्यूरेशन भी आपके लिए 3 ईयर्स का ड्यूरेशन ही है। बढ़ेंगे आखिरी कोर्स की ओर जो हमारा 5 पॉलिटेक्निक के कोर्सेज की हम बात करें हैं और ये कोर्स है आपके पास में डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। जी हाँ, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी जो नेचर से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड और हॉस्पिटलिटी एंड हेल्थ से रिलेटेड अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो, इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में आपका इंटरेस्ट है कि आप आगे चल के इन्वायरमेंट्स के लिए काम करें, कोई बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप काम करें, कोई हेल्थ केयर में आप काम करें, कोई आप लेबोरेटरी से रिलेटेड आपको काम करना है और आपको हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में आपको अच्छा इंटरेस्ट है, तो इस पर्टिकुलर कोर्स के जरिए आपको इन सेक्टर्स में एंट्री मिल सकती है, अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छा पैसा है, अच्छी जॉब है, अच्छी अर्निंग है। आपको 3 साल का ये पॉलिटेक्निक का कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप इन सेक्टर्स में अपने आप को पाते हैं। इस कोर्स के लिए भी आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10th ही है और ट्रेड इसका भी इंजीनियरिंग होगा और ड्यूरेशन 3 ईयर का ड्यूरेशन आपके लिए इस कोर्स में भी है। तो ये थी आपके लिए 5 टॉप
कोर्सेज पॉलिटेक्निक के जो 2024 में काफ़ी डिमांड्स में रहने वाले हैं। जिस तरीके से हमारी इंडिया की ग्रोथ बढ़ रही है वहाँ पे हमारे टेक्निकल लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमारे गवर्नमेंट्स का फोकस है लोकल फॉर वोकल के लिए, उसी तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं कि हर टेक्निकल लोगों को आगे बढ़ाया जाए, ऐसे लोगों को आगे लेके आया जाए जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, जिनके अंदर कुछ जो है न्यू इन्वेंशन न्यू आविष्कार करने की क्षमता है, और टेक्निकल लोग हमेशा से न्यू टेक्नोलॉजी को बनाते हैं। तो आप भी अगर ऐसा सोचते हैं तो आप अपना करियर जस्ट 10वीं के बाद किसी ना किसी टेक्निकल कोर्स में जोड़ने की कोशिश करें, और उसमें आप देखें कि पॉलिटेक्निक का कोर्स अगर आपके लिए मिल जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। पॉलिटेक्निक के किसी भी कोर्सेज के लिए आपको पहले 10th में 45 से लेकर 50% तक के मार्क्स जो है वो आपको लेना ज़रूरी है। आप अगर प्लान कर रहे हैं कि जस्ट 10th के बाद, अगर आप अभी 9th में हैं या 10th में आए हैं, तो आप देख सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमेशा अपना एक टारगेट बना के रखें कि मुझे 45 से लेके 50% तक के मार्क्स किसी भी हालत में अपनी 10th क्लास में लेके आने हैं, और उसके बाद आपको आपके मनपसंद का ट्रेड पॉलिटेक्निक फील्ड्स में मिल जाता है। आपको इसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और उसके बाद आपको आसानी से पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलता है, और आप आगे इन कोर्सेज के बिहाफ पे अगर और ज़्यादा बढ़ना चाहते हो, बैचलर डिग्री भी करना चाहते हो, तो जस्ट 3 साल के पॉलिटेक्निक के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्ट एडमिशन जो है बीटेक में भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना करियर बहुत अच्छे मुकाम पे आप लेके जा सकते हो टेक्निकल के जरिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने इसे लाइक एंड शेयर कर लिया होगा, और अभी भी आपके पास में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने का। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो भी आप हमें कमेंट्स में लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। हाँ, और अगर चैनल में बिल्कुल पहली बार है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नीचे बेल आइकॉन पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इस टाइप की वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, कंप्यूटर के फील्ड में अगर अपने करियर को बनाना चाहते हो तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज भी आप हमारे द्वारा ले सकते हो। हमारे डॉटेड इंस्टीट्यूट्स में कंप्यूटर से रिलेटेड सभी कोर्सेज की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये कोर्सेज आप चाहते हो घर से करने के लिए तो उसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, और ऐप के अंदर से अगर आप घर से ही कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, और ऑफलाइन करना चाहते हो तो दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में आके आप इस कोर्सेज की ट्रेनिंग आप हमारे साथ में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।